देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मेरी भी सुन हाईकमान। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के महज 90 दिन बाकी हैं और टोटल टीवी एक खास पेशकश मेरी भी सुन हाईकमान लेकर आया है। जी हां, मेरी भी सुन हाईकमान में हम अब आपको आज रूबरू कराएंगे बाडड़ा हलके से जेजेपी के मजबूत दावेदार उमेद पातुवाच। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं बाडड़ा हलके से जेजेपी के मजबूत उम्मीदवार उमेद पातुवास। उमेद पातुवास जी, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ टोटल टीवी का, जो आज ये टीम यहाँ पहुँची और मुझे बोलने का मौका दिया। पातुवास जी, पहला सवाल ये कि 2014 का विधानसभा चुनाव, जो कि आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मजबूत दावेदार थे उस समय भी, लेकिन पार्टी ने आपको उस समय टिकट नहीं दिया था और आप निर्दलीय तौर पर चुनाव में मैदान में थे, जबकि बाडरा की जनता ने आपको उस समय भी 24,365 वोट दिए थे। अब जेजेपी से भी आप मजबूत दावेदार हैं इस बार 2019 के विधानसभा चुनाव में। यदि जेजेपी पार्टी ने इस बार भी आपको टिकट नहीं दिया तो आपका विजन क्या होगा अगला, और क्या किस तरह आप 2019 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल की कमांड चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में थी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी 2014 में भी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं किसी कारणवश वो मेरी मदद नहीं कर पाए और मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया और 24,362 वोट इस हलके ने मुझे देने का काम किया। इसके लिए भी मैं हलका वासियों का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, इस बार जननायक जनता पार्टी का एक नया गठन हुआ है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से शुरू से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी से मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, और इस बार इस पार्टी का नया गठन हुआ है, ये भी एक सशक्त उम्मीदवार देखती है जो सीट निकाल सके। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे चुनाव लड़वाएंगे। किसी कारणवश अगर ये मुझे चुनाव नहीं लड़वा पाते तो भी कोई बात नहीं, मैं पार्टी के साथ हूँ, मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। क्या है बाडरा की जनता के लिए आपका विजन क्या है? बाडरा की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं कि जो आप, यदि बाडरा की जनता ने आपको मौका दिया तो क्या उनके लिए, उनके हलके के लिए क्या कर पाएंगे आप? बाडरा की जनता भली भांति मुझे जानती है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। यहाँ सबसे बड़ी यदि कोई समस्या है तो हॉस्पिटल की है, स्कूल्स की है, गाँव की कनेक्टिविटी। आज भी काफ़ी गाँव ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पक्के रोड नहीं है, कच्ची सड़कें जहाँ हैं वहीं से जाना पड़ता है। यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी है। आज यहाँ पे डार्क जोन घोषित किया हुआ है, यहाँ पानी की समस्या है, यहाँ पानी लाना भी बहुत जरूरी है। बहुत से गांव ऐसे हैं, मेरे साथ लगते हुए गांव कुछ ऐसे हैं जिनमें कि लोग खेतों में मीठा पानी होने के कारण खेतों में चले गए थे, उन्हें वापस गांव में प्लान करना पड़ा। यदि यहाँ की सरकार उनके बारे में, यहाँ के स्थानीय विधायक उनके बारे में कुछ सोचते, कम से कम उनको वहाँ पर एक नहर नाला कोई छोटा खाला निकलवा देते, उससे उनके पानी का स्थल वही रुक जाता, कम से कम मीठा पानी रह जाता। अब वो एक बार वहाँ अपना घर बनाते हैं, दोबारा उसको उखाड़ के यहाँ लेके आते हैं। मैं बनता हूँ तो मेरी प्राथमिकता, जनता मुझे अवसर देती है, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल सुविधा, जो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है। आज भी हमारे शहर साथ लगते हुए चरखी दादरी में कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर नहीं है, कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। किसी को हार्ट अटैक आता है, कोई और छोटी मोटी समस्या होती है, दादरी जो हमारा सामान्य अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। वहाँ कोई भी जाता है तो उनका एक ही काम रहता है कि वो रेफर कर देते हैं, रेफर टू पीजीआई रोहतक। ये आज से 20 साल पुरानी परंपरा है। क्या स्थानीय विधायक जो आपके हैं सुखविंदर मांडी, क्या उन्होंने कभी इस तरह की विधानसभा में आवाज नहीं उठाई अपने हल्के की? उन्होंने शुरू में एक बार हॉस्पिटल में फोटो खिंचवाने के लिए वो गए थे, उन्होंने चद्दर चेक की कि वो गंदी है या साफ। अगर वो आवाज उठाते, आज उनकी सरकार है, वो यहाँ के स्थानीय विधायक है, वो किसी काम को अड़के करवा सकते थे। वो मुख्यमंत्री जी को अप्रोच करते, वो स्वास्थ्य मंत्री जी को अप्रोच करते। आज भी यहाँ मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आप स्वयं हॉस्पिटल में जाकर के देखें और उनसे पूछें कि यहाँ कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं और यहाँ वैकेंसी कितने डॉक्टर्स की है। उमेश जी, आपने बात की सुखविंदर मांडे की भी और अपना विजन भी बताया। अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 10 की 10 सीटों पर बीजेपी पार्टी आई है, और आपकी पार्टी को यहाँ की विधानसभा से कितना वोट मिला, और आपने क्या लगता है कि अगर आप जेजेपी के उम्मीदवार बन के आते हैं, क्या जनता आपको विधानसभा में लेके जाना पसंद करेगी? देखिए, ये चुनाव लोकसभा चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव अलग है, दोनों के मुद्दे अलग अलग हैं। इस बार जो तुलना जनता ने की वो राहुल जी और मोदी जी में की,
और मैं भी खुद कहता हूं, मैंने हालांकि मैं मोदी जी का वोटर नहीं हूं, पर फिर भी उनमें अगर कोई अंतर देखता है तो मोदी जी के सामने राहुल जी कहीं स्टैंड नहीं करते। जनता ने सिर्फ मोदी जी और राहुल जी को ही देखा है। अब स्टेट में ऐसा नहीं है, स्टेट में ये एक भाईचारे का चुनाव है, ये लोकसभा एक बड़ा चुनाव था, इसमें देश हित की बात की गई, मोदी जी की बात की गई और मोदी जी को ही वोट गई। यहाँ के जो प्रत्याशी रहे, किसी भी प्रत्याशी, बहुत ज्यादा प्रत्याशी ऐसे थे, आपने हरियाणा में आपने देखे होंगे, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिनका बहुत ज्यादा विरोध था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट मांगी है, देश हित के नाम पर वोट मांगी, और लोगों ने मोदी जी को एक अवसर और दिया ताकि इनका देखते हैं देश में क्या करते हैं। आपको ही आपकी पार्टी जेजेपी अगर चुनाव लड़वाती है इस विधानसभा चुनाव में, आपको ही जनता क्यों चुने? ऐसी क्या क्वालिटी है, ऐसा क्या आपने उनको सपना दिखाया है और आपको ही क्यों चुने? ये तो आप जनता से पूछिए, पर मेरा मानना इतना है, मैं चुनाव हार गया था, उसके बाद भी मैं लोगों के बीच में रहा हूं। 2010 में मैंने पहली बार पार्षद का यहां से चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया था, मैं किसी पार्टी से नहीं था। उस टाइम भी लोगों ने मुझे 2688 वोटों से जिताने का काम किया, 7053 वोट मुझे दिए। उसके बाद मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूं, उनके सुख दुख में जाता हूं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता हूं, वो मुझे अपना मानते हैं और मैं उन्हें अपना मानता हूं। इसी के चलते 2010 से जब मैंने 14 में चुनाव लड़ा, तो आपने अच्छे खासे रिजल्ट देखे होंगे, आप यहां का रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, बारडा विधानसभा से आज तक निर्दलीय प्रत्याशी ने 24,362 वोट नहीं लिए। मेरे से पहले भी दो पार्षद यहां से चुनाव लड़े, वो 5,000 से 6,000, 4,000 वोटों पर सिमट के रह गए। जनता से मेरा एक विशेष लगाव है और जनता मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देती है, मुझे अपना भाई मानती है, मुझे अपना बच्चा मानती है, मैं हर सुख दुख में उनके साथ रहता हूं। और यही वजह है, जनता सिर्फ ये देखती है, यहाँ एक ये विधानसभा चुनाव एक छोटा चुनाव, भाईचारे का चुनाव है, यहाँ पर हम इन लोगों से जुड़े हुए हैं। जनता पहले भी कईयों को मौका देकर देख चुकी, तो जनता एक बदलाव चाहती है। पातुआ जी, इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी जो जेजेपी पार्टी है उसको 18,000 वोट मिले हैं, अब विधानसभा चुनाव में आप कैसे उस वोट बैंक को बढ़ाएंगे, क्या आपके पास ऐसा फॉर्मूला है? देखिए, हमारी पार्टी एक नई पार्टी बनी, नई पार्टी का गठन हुआ, 20 दिन पहले ही हमारे प्रत्याशी जननायक जनता पार्टी में एक चेहरे के रूप में दिखाई दी, उनको टिकट दी गई, 20 दिन में वो मेहनत नहीं कर पाई। पिछले चुनाव में जब राव बहादुर सिंह जी यहां से प्रत्याशी आए थे, इसी हल्के ने 45,738 वोट देने का उनको काम किया था, पर उनके खुद के जहां से वो स्थानीय विधायक थे वहां से उनके वोट बिल्कुल नहीं आई, यहां से हमने वोट दिया। इस बार लोग असमंजस में थे कि यदि हम वोट दे देंगे तो भी यहां से वो जीतनी तो है नहीं, उनके लोग वोट नहीं देंगे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट नहीं मिलेगी, ये लोगों के मन में एक धारणा बनी थी, इसी वजह से वो वोट नहीं मिल पाई उनको। और मैंने पहले ही कहा है कि ये चुनाव और वो चुनाव बिल्कुल अलग है, इसको आप देखें, यहां पर एक भावना हो चुकी थी लोगों की, यहां पे जगह जगह बीजेपी का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, यहां पर बीजेपी के धरने चल रहे, आज भी यहां पे 17 गांव के किसान दो जगह धरना दिए हुए हैं, जिससे पिछले साढ़े चार महीने से जो धरने पे बैठे हैं, इस चुनाव से पहले से बैठे हैं, आज तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी के चलते लोगों ने एक विकल्प के रूप में देखा कि जी यहां से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको कांग्रेस की प्रत्याशी हरा सकती हैं, एक मुख्य कारण हमें वोट कम मिलने का यह भी था। विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं आप? इनेलो पार्टी का मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उस परिवार के साथ काम किया है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, ये आज पार्टी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और इनके जो भी कोई नेता थे, अभी 3-4 दिन पहले आपने सुना होगा गोपी चंद गहलोत जी भी इनको छोड़ के चले गए, उससे पहले भी बहुत से विधायक इनको छोड़ के चले गए, अब मुझे नहीं लगता कि इस पार्टी का कोई कारण क्या है। मानते हैं आप क्यों छोड़ के विधायक भी जा रहे हैं, जो मजबूत नेता थे जो दायां बायां अभय चौटाला के थे वो भी छोड़कर जा रहे हैं, वजह क्या है इसकी? वजह सिर्फ एक कड़वाहट उनकी, नेताओं की, दूसरा सिर्फ अपनी चलाना, किसी दूसरे की न सुनना, हर एक आदमी यस मैन नहीं हो सकता। उन्होंने आज तक जो भी कभी टिकट दी, यदि आप देखेंगे तो उन्होंने टिकट उसी को दी जो अपनी मर्जी से दी, मतलब अभय चौटाला वन मैन शो है आप कहना? बिल्कुल, वन मैन शो है। तो लेकिन कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, तो उसमें कार्यकर्ताओं की चलती है? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पिछली बार भी हमारे यहाँ से आपने काम किया है वहां पर,
काफी समय आप मैं नहीं कहूंगा, उसका कारण है बार डाल के पूरे कार्यकर्ताओं की आवाज ये थी कि उमेद पातवास को आप टिकट दो और ये बहुत अच्छे अंतर से जीत के आएंगे, पर चौटाला साहब ने ये कहा पार्टी में काम करो, जिसको मैं टिकट दूंगा वो चुनाव लड़ेगा। उन्होंने, वो बहुत सीनियर नेता हैं, वो 5 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके, उनके सामने हम कुछ नहीं है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कभी किसी की नहीं सुनी, सिर्फ हमेशा अपनी चलाई, और इसी के चलते अभय सिंह जी भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चले और इस पार्टी को पूरी तरह इन्होंने खत्म कर दिया। उमेश जी, बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव की, जेजेपी अगर आपको टिकट देती है तो आपकी टक्कर किससे होगी, क्या मानते हैं आप? मेरी टक्कर ही किसी से नहीं होगी, मैं आपको यही बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पर कांग्रेस से पिछली बार रणबीर महिंद्रा जी आए थे और बीजेपी से सुखविंदर मांडी जी आए थे। सुखविंदर मांडी जी के दादाजी यहां पहले एमएलए रह चुके, उनके चाचा यहां एमएलए रह चुके, पर इनका एक इतिहास रहा है कि एक ही बार विधायक बनते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप बारडा की जनता से पूछिए, लोग अब हम गांव में जाते हैं तो शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि एक ही बार बनते हैं। इनका इतिहास एक बार बनने का रहा है। महिंद्रा जी की आवाज ये है, जो कि हमारे यहां इसको एक मजाक में भी लिया जाता है कि महिंद्रा जी अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो भी हारेंगे। जननायक जनता पार्टी की आज भी यहां पर 30,000 से 35,000 वोट है और मेरे खुद के संगठन की मैंने पिछली बार जो वोट ली थी ऐसे की ऐसे जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ मैंने उसमें प्लस करने का काम किया है। और आप मान के चलो 1,40,000 वोट अगर पोल होती हैं तो 90,000 वोट जो बचती हैं उसमें से, जिसमें 50,000 वोट कांग्रेस भी लेगी, निर्दलीय प्रत्याशी भी कोई ना कोई आएगा वो भी लेगा, इंडियन नेशनल लोकदल, LSP, BSP सब मिला के लेंगे, 90,000 वोट बचती हैं, उसमें 70,000 वोट मैं अकेला लेने का काम करूंगा। ये आज की बात मेरी याद रखना और चुनाव के बाद आप मुझसे जरूर मिलें। बीजेपी या किरण चौधरी से आपको कितना खतरा है, क्या लगता है आपको? मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है, मैं जनता के बीच में रहता हूं, जनता मुझे अपना भाई मानती है, अपना बेटा मानती है, मुझे इनसे किसी से कोई खतरा नहीं है। ये जरूर मैं कहूंगा कि किरण चौधरी जी और महिंद्रा जी, आप नजदीक से जानते हो कि इनके क्या रिश्ते हैं, पर आपस में हमेशा एक दूसरे की वोट क्रॉस करवाते हैं और जो महिंद्रा जी को वोट जो हराता है उनको किरण चौधरी जी अब तक वोट डलवाती रही हैं, आगे उनका अपना निर्णय होगा कि वो क्या करेंगी, पर बार डाल के में आज भी किरण चौधरी जी की निजी वोट है। क्योंकि बीजेपी 75+ का टारगेट लेकर पूरे हरियाणा में चल रही है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 75+ से अब कितनी भी सीटें आ सकती है, हरियाणा में टोटल 90 सीटें हैं, तो क्या बाड़ा की सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी? मैंने कहा ना, यहां बाड़ा की सीट आज आपके अपने भाई उमेद पातवास की है, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक जनता की आवाज है। बीजेपी के खाते में जो सीट जानी थी पिछली बार चली गई, हमारे स्थानीय विधायक जो हैं उनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर उन्होंने जिस प्रकार लोगों से अपनी दूरी बनाए रखी और आज वो बरसाती मेंढक की तरह दोबारा चुनावी मैदान में उतर गए, आज उनका हर गांव में भारी विरोध है, पीछे आपने देखा हो किस तरह के विरोध उनके चल रहे हैं। तो बालडा की सीट के लिए मैं आपको कह सकता हूं बालडा की सीट उमेद पातवास निकालेगा, यहां भाजपा कहीं स्टैंड नहीं करती, भाजपा का ग्राफ अगर अप है तो विधायक का ग्राफ डाउन है, बात वहीं की वहीं है। मतलब आपका कहना है कि पार्टी को यहाँ पर यहाँ के लोग जो है पसंद नहीं करेंगे, यहाँ के जो मौजूदा कैंडिडेट होंगे, जो चेहरा होगा, चेहरे को यहाँ की जनता देखेगी? यहाँ बिल्कुल चेहरे को जनता देखेगी, यहाँ जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसे ही हैं, यहाँ किसी पार्टी का कोई ज़्यादा सिस्टम नहीं है, जिस पार्टी का जो ग्राफ है मैंने बताया, पार्टी वोट प्लस कैंडिडेट, यहाँ कैंडिडेट को देखा जाएगा, जो चेहरा आता है उसको देखा जाएगा। सुखविंदर मांडी जो कि 2014 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, आप निर्दलीय लड़े थे, तो क्या कुछ वायदे उन्होंने किए और क्या पूरे नहीं हुए? देखिए, ये तो मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि यदि आपने आज यहाँ आने का कष्ट किया, मुझे टाइम दिया, मुझे बोलने का अवसर दिया, तो एक बार मेरे हलके में जाके पूछें। वो अपने किसी वायदे पे खरे नहीं उतरे और उन्होंने एक अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हुए सीधे सवाल लोगों से शुरू में तो ये किए, अगर कोई सरपंच उनके पास गया, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, और वो मेरे साथ यदि डिबेट करते हैं तो मैं उनका नाम लेने के लिए तैयार हूं। उस सरपंच का उन एक गांव की पंचायत गई जिसमें 30-35 आदमी थे और उन्होंने उनको स्ट्रेट वे जाते ये बोला कि वोट किसकी दी थी, उन्होंने बोला आपकी वोट दी थी, तो उन्होंने बोला परिवार ने वोट किसकी दी थी,
उम्मीद पतवास की जी मतलब जो भी विकास कार्य कराने की बात आई तो पहले वोट की राजनीति शुरू हुई कि किसको वोट दी किसको नहीं दी। आपके स्थानीय विधायक हैं सुखविंदर मांडी, आपने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जनता के बीच में आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर मेरा यही सवाल है कि 5 साल आप विपक्ष में रहे तो क्या आपने क्या किया यहाँ की जनता के लिए, आप किस तरह से उनके साथ खड़े रहे? मैं हमेशा जनता के बीच उनके सुख दुख में रहा। यदि कोई प्रशासन से अड़के कोई काम करवाने की बात थी तो वो मैंने करवाई। यहाँ के एमपी साहब से मैंने रिक्वेस्ट करके मेरे आसपास के गांव में ग्रांट दिलवाई जो कि एक रिटर्न में है, और विधायक जी ने यहाँ पे किया, मैं ये भी नहीं कहता किया, उन्होंने किया यहाँ पे माइंस में ओवरलोडिंग घोटाला। क्या एक क्लर्क 50 लाख रुपए अपने घर में रख सकता है बिना किसी सह के? क्या उसमें अधिकारी इन्वॉल्व नहीं है? क्या उसमें नेता इन्वॉल्व नहीं है? अगर उन्होंने किया तो ये किया, उन्होंने किया तो एक भेदभाव की राजनीति की, उन्होंने किया तो किसी एक व्यक्ति विशेष का फेवर किया। अगर दो गुटों का झगड़ा हो गया और वो केस पुलिस में चला गया तो उन्होंने हमेशा अपने आदमी को बचाया और दूसरे आदमी को कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने सिर्फ हमेशा एक ओछी राजनीति की। उनकी उम्र सबसे छोटी है तो उन्होंने हमेशा मैच्योरिटी दिखाई नहीं कहीं कोई भी गया, मतलब पक्षपात किया आपने, हमेशा पक्षपात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है कि हमने हरियाणा में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ये भाजपा जीरो टॉलरेंस की जो नीति रखती है उसका असर मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा घोटाला था जिसमें यहाँ हर ट्रक से 11 से 12 हजार रुपए महीने मंथली ली जाती थी। उन ट्रकों के नंबर नोट मिले हैं, उनके लैपटॉप मिले हैं जिनमें वो नंबर फीड थे। क्या ये स्थानीय विधायक के बिना मिले, क्या ये सरकार के बिना इन्वॉल्व हुए, ऐसा हो सकता है? दूसरा, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बर्खास्त हुए एक तहसीलदार दादरी के हैं यादव जी, वो लोगों को खुला कहते हैं रजिस्ट्री करवानी है तो 10 हजार रुपए लगेंगे, वीडियोग्राफी करनी है तो कर लो, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्या यह बिना सरकार के संभव है? अधिकारियों की इस सरकार अधिकारी हावी है, आप पूरी मनमानी अधिकारियों की है, तो वो इसी कारण तो है। हमारे स्थानीय विधायक अगर मजबूत होते, हमारी भाजपा अगर यहाँ इतना जीरो टॉलरेंस होती तो तुरंत उन अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो बर्खास्त किए जाने थे, यहाँ से हटाए जाने थे। और दूसरों को आज भी ओवरलोडिंग का मामला पूरी तरह चल रहा है, आप जाकर के देखिए, आज भी उसी प्रकार ट्रक ओवरलोड चल रहे हैं जो रोज एक्सीडेंट होते हैं। कितने एक्सीडेंट ओवरलोडिंग की वजह से हो रहे हैं, कितना नुकसान हमें हो रहा है। उमेश जी, बात करते हैं आपकी विधानसभा की, बारोड़ा की, जाति समीकरण क्या है यहाँ पे? 54% जाट वोट हैं, जिसमें से 20,000 शोरांस हैं, बाकी अदर कास्ट हैं, और बाकी जो 54% के अलावा जो 40% वोट बची हैं वो अदर कास्ट हैं। इसमें लगभग आज तक का जो इतिहास रहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये शोरान परिवार जो सुखविंदर जी जो है पहली बार बने हैं, यहाँ भाईचारा बड़ा मजबूत है, यहाँ जातीय समीकरण जो भी हो पर हर जाति से मेरा जुड़ाव है और यहाँ जातिवाद ज़्यादा नहीं है, यहाँ भाईचारा है, यहाँ हम सारी कास्ट मिलजुल के रहते हैं, सभी गोत्र मिलजुल के रहते हैं। इसका अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पिछली बार कर्नल रघुवीर छिल्लर जी विधायक बने थे, छिल्लर मात्र 500 हैं यहाँ पर, 500 वोट छिल्लर्स के होंगे, फिर भी उनको विधायक बनाया था। उससे पहले रणबीर मंदोला जी भी यहाँ से चुनाव लड़े थे, वो पहल हैं, पहल चंद हैं, बहुत कम हैं, पहलों की संख्या भी 500 से ज़्यादा इस हल्के में नहीं है, पर वो भी विधायक बने थे। यहाँ पर ये चीज़ मायने नहीं रखती, गोत्र कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे कास्ट कोई मायने नहीं रखती, ये भाईचारे का चुनाव है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि ये हल्का भाईचारे का चुनाव लड़ेगा और वो भाईचारे के चुनाव में ये प्रत्याशी को देखते हैं, जो प्रत्याशी ने पसंद आता है उसको जिताने का काम करते हैं। इस चुनाव में आप जेजेपी पार्टी को कहाँ देखते हैं अन्य पार्टियों के अलावा? जेजेपी एक नई उभरती पार्टी है और जेजेपी के जो मुखिया हैं वो एक साफ छवि के नेता हैं, भाई दुष्यंत चौटाला जी, और जिस प्रकार वो लोगों के बीच में घुसना जानते हैं, जितनी सहनशीलता उनमें है, जो इतमिलनसार वो है, उन्होंने काम किए हैं। ये लोकसभा चुनाव अलग था, विधानसभा चुनाव अलग होगा। विधानसभा के जो हमारे मुद्दे हैं, हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, वो बाकी पार्टी से भिन्न है और जनता उन्हें स्वीकार करेगी और अच्छा खासा हम ये चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला आजकल युवाओं को रोजगार देने के लिए काफी बयान दे रहे हैं कि वो बाल ठाकरे बनना चाहते हैं, तो क्या हरियाणा के बाल ठाकरे बन पाएंगे?
देखिए जो उनकी नीतियां हैं उस हिसाब से मैं बाल ठाकरे तो नहीं कहूंगा उन्हें, क्योंकि बाल ठाकरे जी में और उनमें दिन रात का फर्क है, उनके स्वभाव में बहुत अंतर है, पर उनकी सोच अच्छी है। वो चाहते हैं कि हरियाणा में जो भी कोई कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री यहां पे लग रही हैं, उसमें हमारा साझा क्यों नहीं, और अदर स्टेट्स के लोग उनमें हैं और हमारे स्टेट के 75% की वो मांग कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर सरकार आती है 75% सरकार उनको करवाने का काम करेगी, भाई दुष्यंत चौटाला जी उनको करवाने का काम करेंगे। उमेश जी एक बार फिर क्वेश्चन आपसे करते हैं कि जनता आपको क्यों चुने, ऐसा क्या है आपके अंदर कि क्या क्वालिटी है, क्या जनता से आपने पिछले 5 सालों में क्या वादे किए हैं, और अगर विधानसभा में आप आते हैं तो उनके वादे कितनी जल्दी पूरे होंगे? मैं एक देशभक्त हूं, मैं फौज में नौकरी करके आया हूं, गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं एक शहीद का बेटा हूं। मैं जनता को एक ही विश्वास दिलाता हूं, मैं राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, पैसे तो व्यापार में है और मेरा भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ भगवान का दिया है, जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा उन्होंने दे रखा है। मैं ईमानदारी से सरकार से अड़के एक एक ग्रांट उनसे लाके मेरी विधानसभा में, मैं पहले पार्षद था, जब का भी आप मेरा इतिहास उठा के देखिए हम 29 पार्षद थे जिसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन थे, उसके बावजूद भी मैंने मेरे वार्ड में सबसे ज़्यादा ग्रांट लगाने का काम किया। उसी प्रकार मैं मेरे हलके में भी 90 के 90 हलकों में से सबसे ज़्यादा ग्रांट ला के लगाने का काम करूँगा, और ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, इसमें कोई छल कपट नहीं होगी, कोई बेईमानी नहीं होगी, मुझे राजनीति में एक पैसा नहीं चाहिए इस राजनीति से। मैं तो अगर कोई भत्ता भी मिलता है तो वो भी जनता की हल्के की जनता के लिए दूंगा। पातुवास जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हरियाणा में कि हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं, और तमाम जो दल के नेता हैं अन्य दल के, वो सब भाजपा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो, तभी तमाम जो है भाजपा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस? देखिए कई बार ऐसा होता है जब कोई पार्टी हवा में होती है तो उसमें ऐसे ही भगदड़ मचती है। इंडियन नेशनल लोकदल खत्म हो गई, उनके पास कोई विकल्प नहीं था, वो जाएं तो जाएं कहां। कांग्रेस में आपसी फूट के कारण नेता एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, यही वजह रही कि कांग्रेस एक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही, पार्टी में काफ़ी खिंचातान है आपस में, नेता आप देख रहे होंगे स्टेज पर लड़ते नजर आते हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ते नजर आते हैं, नेता एडमिट हो जाते हैं, इतनी उन्हें गंभीर चोटें आती हैं। इस वजह से लोगों ने एक विकल्प चुना कि भाजपा हमारे लिए सही है, पर जिस तेजी से भाजपा में लोग जा रहे हैं उसी तेजी से भाजपा से लोग वापस भी आएंगे, समय का इंतजार कीजिए। हरियाणा के क्या लगता है कि जब टिकट वितरण का समय आएगा तो जो अब भाग भाग के जा रहे हैं वो फिर अपने अपने दल में वापस आएंगे? जिस तरह अभय चौटाला ने कहा था कि जो भूल से चले गए हैं लेकिन जब वो वापस पार्टी में आएंगे तो उन्हें फिर दुख होगा कि मैं छोड़ के चला गया, टिकट के लिए छोड़ के गए। देखिए कई बार जनता के हितों के लिए लोग फैसला ले लेते हैं, कई बार अपने स्वार्थ के लिए लोग चले जाते हैं, और जब टिकट तो एक ही है, एक हल्के में 90 ही टिकट है। आज भाजपा में जिस प्रकार बाढ़ आई हुई है और सब कुछ भाजपा की तरफ बह रहा है, जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो वापस अपनी पार्टियों में आना चाहेंगे, जैसे कि या फिर उसी पार्टी में रह के वो बगावत करने का काम। पातुवास जी, जैसे अभी जेजेपी से आपके लोकसभा की उम्मीदवार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की उम्मीदवार थी स्वाति यादव, उन्होंने भी अब भाजपा का दामन थाम लिया है, क्यों ऐसे भगदड़ मच रही है? क्यों अब जेजेपी जैसा कि नया दल बना है अभी, और आपने कहा कि दुष्यंत चौटाला जो है एक हरियाणा की जनता की आवाज बनकर के आए हैं, तो क्यों फिर युवा नेता ही छोड़कर जा रहे हैं? उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, उनकी वजह क्या है वो जाने, बाकी मैं तो ये कहूंगा कि उनका कोई जल्दबाजी का कदम था, उन्हें थोड़ी पेशेंस रखनी चाहिए थी, पर उन्होंने कुछ सोचा तो खुद के लिए अच्छा ही सोचा होगा। उमेश जी, अब हरियाणा के हम इतिहास की बात करते हैं, पानी के नाम पर सरकारें बनी, बिजली के नाम पर सरकारें बनी, नौकरियों के नाम पर भी सरकारें बनी, आपकी पार्टी ऐसा चुनाव में क्या घोषणा करने जा रही है कि आपकी पार्टी की सरकार बने? एक तो हम जो रोजगार मेरा अधिकार का मुद्दा लेके जनता के बीच में जा रहे हैं, पानी बिजली का तो आपने सुना ही होगा, यहां तक कि दुष्यंत जी ने कह दिया कि हर गांव में आरओ का पीने का पानी होगा, पेंशन की जो उम्र है वो महिलाओं की घटाकर 55 साल और पुरुषों की घटाकर 58 साल, जो चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की थी,
60 साल उसको घटा के 55 और 58 कर रहे हैं। किसानों के कर्ज माफी की बात है, जो योजनाएं आज जो इस पार्टी का एजेंडा है, जो उससे जनता अच्छी खासी प्रभावित होगी और इसके समय आने पर बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, वो विधानसभा के बाद आपको देखने को मिलेंगे। मनोहर लाल खट्टर की नीतियों को आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपने सभी मुख्यमंत्री को देखा, पिछले 10 साल आपने हुड्डा का कार्यकाल भी देखा, फिर उससे पहले चौटाला साहब का भी कार्यकाल देखा। अगर इन 5 सालों की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नीतियों को किस तरह आप देखते हैं, योजनाओं को किस तरह देखते हैं, उनके काम को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि सबका साथ सबका विकास, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, नौकरियों में पारदर्शिता की बात वो करते हैं, आप किस तरह देखते हैं? ये मेरे देखने से नहीं होता, ये तो जनता का फैसला, वो क्या देखती है। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, वो भाई भतीजावाद था, उस पर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने लगाम लगाई है। अब जो योजनाएं ऊपर से लागू होती हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। अब इन्होंने नौकरियों में पारदर्शिता दिखाई, तो वो क्या पारदर्शिता है? डी ग्रुप में आज पोस्ट ग्रेजुएट PhD लोग ज्वाइन कर गए, क्या डी ग्रुप के कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं होनी चाहिए? 10वीं पास, 12वीं पास, क्या उन्हीं को मौका नहीं मिलना चाहिए? अब क्या एक पोस्ट ग्रेजुएट, क्या एक PhD डॉक्टर वहां पर फोर्थ क्लास का काम कर पाएगा, डी ग्रुप का काम कर पाएगा? इसलिए मुझे लगता है कि सिस्टम में आज भी सुधार की जरूरत है। अब ये नौकरी निकालते हैं, नौकरी निकाल के फिर ये एक्सटेंशन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, टाइम एक्सटेंड करते हैं, ऐसा क्यों? तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि सुधार की जरूरत है। बाकी जाते जाते पातुवास बाडरा की जनता से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यदि अब इस बार आप विधानसभा चुनाव में बाडरा से आप चुनाव लड़ते हैं तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जनता मुझे मौका देती है तो मैं एक इतिहास यहां बना के दिखा दूंगा कि आज तक कोई विधायक ऐसा हुआ है कि जिसने सबसे ज्यादा विकास कार्य करवाए। मैं ग्रांट इस 90 हलकों में सबसे ज्यादा यहां लगाने का काम करूंगा और मैं देशभक्त हूं। मैं पुनः दोहराता हूं, एक रुपया खाने की मंशा से मैं राजनीति में नहीं आया हूं। जनता मुझे मौका देती है तो जनता को मैं एहसास करा दूंगा कि उन्होंने 2019 में जो फैसला लिया था वो अब तक का सबसे अच्छा फैसला लिया था, यही कहना चाहूंगा। लेकिन चुनाव में जब नेता जो है जीत कर आता है तो फिर वो सारे वादे भूल जाता है। ये जनता भी कहती है कि चुनाव से पहले नेताजी वादे करके चले जाते हैं लेकिन जब बन जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। मैं यहाँ का नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ, मेरा भाईचारा मजबूत है। चुनाव तो मैंने पहली बार 2010 में पार्षद का लड़ा, उससे पहले भी मैं यहाँ आसपास के गाँव में, मेरे खुद के गाँव में मैं लोगों के बीच में रहा हूँ और इन्होंने भी मुझे अपना माना है। ये प्यार प्रेम हमेशा बना रहे। यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं ये मेरा खुद का फार्म नहीं है, ये एक सामूहिक केंद्र है। यहाँ पर हर वर्ग का लोग, हर वर्ग के आदमी आते हैं, यहाँ सुबह से शाम तक ताश खेलते हैं, यहाँ हुक्का पानी पीते हैं, बैठे रहते हैं। और बाहर का कोई आदमी आ जाए, मेरे परिवार का यहाँ कोई आदमी नहीं रहता, बाहर का कोई आदमी आ जाए तो वही अटेंड करते हैं और वो अपना ही से मान के बैठते हैं। और मैं कभी आता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ कि यहाँ कोई समस्या है तो वो हंस के बोलते हैं कि यहाँ की समस्या हमारी अपनी समस्या है, हम अपने आप निपटा लेंगे, आप अपना काम करो। उसी प्रकार ये प्यार प्रेम हमेशा बना रहे, ये जनता मुझे ऐसे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और जनता ने जब भी पहले मुझे वोट दिया है, मुझे नहीं लगता आज आप पब्लिक के बीच में जाएंगे कि एक भी वोटर वोट डाल के पछता रहा हो। मैं इतना ही आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता इसी प्रकार मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखे, मैं जनता के बीच रह के जब तक मैं जीऊं जनता की सेवा करूं। देखिए, ये थे JJP के मजबूत उम्मीदवार उमेश पातुवास, जिन्होंने हाई कमान तक अपनी बात पहुंचाई और साथ ही ये बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या कुछ काम किए हैं और साथ ही ये भी बताया है कि वो अपने क्षेत्र में नेता के रूप में नहीं बल्कि बेटे के रूप में काम करेंगे। हमारी इस खास पेशकश मेरी भी सुन हाईकमान में बस इतना ही। अगली बार किसी और उम्मीदवार से आपको रूबरू कराएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।